भारत बंद को सफल बनाने को लेकर इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन ने सभी संगठनों से आढ़तियों व किसानों को सहयोग देने की अपील की। किसानों व आढ़तियों ने अपील की कि 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान पर किसानों का साथ दें ताकि चल रहा आंदोलन सफल हो सके। ये किसानों के कल जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ था, वहाँ जो ऑल इंडिया किसान यूनियन और व्यापारी संगठन जो भी मिले हुए थे, सारों ने कल का भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज भारत किसान यूनियन और मंडी एसोसिएशन की तरफ से आज एक मीटिंग बुलाई गई है, जो कल को भारत बंद को सफल बनाने के लिए के उपलक्ष्य में ये आज मीटिंग बुलाई गई है, ताकि जो पूरा रोड जाम हो सके, बाजार बंद हो सके, मंडी तो पूर्ण रूप से बंद रहेगी, किसान भी इसमें सारे शामिल हैं, उनके आह्वान के ऊपर ये मीटिंग है। देखो, समर्थन तो हमारा किसान का, मंडी का, एसोसिएशन का पहले से ही समर्थन है। जब भी वो आह्वान करते हैं तो मंडी एसोसिएशन तो एक मिनट में ही उसके, मैं नहीं कहता, अभी थोड़े से आह्वान के ऊपर ही एकदम मंडी बंद हो जाती है। सारा आढ़ती वर्ग उनके साथ है, किसानों के साथ है, क्योंकि किसान आढ़ती का तो एक खून का रिश्ता है, चोली दामन का साथ है, इसलिए ये अलग हो ही नहीं सकता। तो वो उनके उन आढ़ती का और किसान का तो एक ही मकसद है, भाई तीनों कानून वापस लो और इन जो बिल है ऑर्डिनेंस लाके किसान लोकसभा में जैसे उन्होंने पास कराया था ऐसे ही उसको वापस करें, और तभी किसान पीछे हटेगा, ऐसे किसान पीछे हटने वाला नहीं है। बंद का हमारा सुबह 11:30-12 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट है, जैसे ही मार्केट बंद होगी उसके बाद 12 से 3 बजे तक रोड जाम किया जाएगा, तो हम रोड जाम करेंगे, उसके बाद अपना ये हमारा 3 बजे तक का वो है, और मंडी ऑलरेडी पहले ही बंद है, सब मंडी बाजार सारा सब कुछ बंद। आज बड़ी खुशी की बात है, मंडी एसोसिएशन और किसान यूनियन की आपसी मीटिंग हुई है, कल के काम जो कल भारत बंद का एक हमारे प्रधान ने हमारे पे जुम्मेवारी लगाई है, भाई अब हर हलके में इसको सफल बनाएं, भाई बंद को बिल्कुल पूर्ण रूप से, और जो हमारी रणनीति बैठ के हमें सारे ने विचार किया, 11 बजे डाने वाला चौक जो माजी अड्डे पे है वहाँ इकट्ठे होंगे, और वहाँ से पैरों निकलेंगे पूरे बाजार में, उसके बाद 12 बजे रेस्ट हाउस पुड़पा 3 घंटे के लिए जाम लगाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है भाई, जैसे कि मैंने बाज़ार में जनरल स्टोर वाले प्रधान जी से बात करी, उन्हें बड़ा अच्छा वो कराया, मेडिकल स्टोर से करी, उसने भी यही बोला हम बिल्कुल बंद रखेंगे, और जो खाद दवाई वाला है उनसे बात करी, कोई भी बोले हम समर्थन में साथ खड़े हैं। और ये अब तो दिल्ली जो है आंदोलन का रूप नहीं है, अब तो वहाँ किसान मेला बन गया, और सरकार ने ये देख लिया भी ये किस, अब तो उनके बयान आने लगे, पहले तो हम लोग आतंकवादी खालिस्तानी ये बता रहे थे, अब तो उनके बयान भी आने लगे, नहीं ये किसान है, कभी कहते थे कांग्रेसी हैं, हम उनसे पूछते हैं कांग्रेस कौन है, तभी कांग्रेस हो, तभी बीजेपी हो, तभी जेजेपी हो, ये तो किसान है, किसान जब धरती को चीर कर अन्न पैदा कर सकता है कि अपना हक नहीं ले सकता, हक लेके आएंगे दिल्ली से वैसे नहीं आएंगे, एक ही नारा है, तीनों कानून वापिस, संशोधन नहीं चाहिए हमने, तीनों कानून वापसी चाहिए हमने, क्योंकि संशोधन में कुछ नहीं है। तो अब पूरे जोर शोर से कल इसको सफल बनाएंगे भारत बंद को, सबका सहयोग मिला, सब पूरी इनको हम बरादरियों बांट रखे थे, नहीं अब बरादरी चीज खत्म हो चुकी है, अब सही किसान बन के आए हैं, जो इन्हें जहर को रखा, जाट गैर जाट, मुसलमान गैर मुसलमान, मराठे, ये सब इनको अपनी रोटी सेकने का, और मोदी जी बहुत दिन तेरे नारे लग लिए, अब तेरी गिनती शुरू हो चुकी है, आपका ड्रम वाला काम होगा वहाँ अमरीका वाला पढ़कर रहा, इतना रोगा तुम भी, इन किसानों की सुन लो। किसान नेता रामपाल चाहल ने कहा कि सरकार तीनों कृषि बिलों को तुरंत रद्द करे, अन्यथा सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कहा कि भारत बंद के आह्वान पर किसानों को सभी संगठनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि मंगलवार को सभी संगठन के लोग पहले मार्केट में पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद सड़क जाम करेंगे। भारत बंद को लेकर ये निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली धरना चल रहा है वहाँ से जो हमारे नेता बैठे उन्होंने ये फैसला लिया और ये पूरे भारत में बंद है, कोई इंद्री करनाल हरियाणा का नहीं है, पूरे भारत का बंद है। और इस बंद में सभी का समर्थन मिल रहा, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो आढ़ती है, चाहे वो करियाना स्टोर वाला है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे पेट्रोलियम वाले हैं, जितने भी संस्थाएं हैं सामाजिक राजनीतिक और उद्योगपति सबका समर्थन है। सब ही दुखी हैं इस सरकार से, सबके अंदर एक ही जुनून है कि जो ये किसान 12 दिन से सड़क पे बैठे ये अपना हक लेकर उठा, ये जायज बैठे, इनको हक मिलना ही चाहिए। और ये जो सरकार इनके साथ कृतित्व कर रही है बिल्कुल अन्याय कर रही, तो सरकार को थूक का चाटना चाहिए, झुकना चाहिए और ये वापस लेना चाहिए। जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम सड़क से नहीं हटेंगे। देखिए जो जो फूलों की माला भरावा वही जूतों की भी भरावा, जिसने कुर्सी दी वो कुर्सी खींच भी सकते हैं। सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए।